वक्रतुंड महाकाय सूर्याकोटि सम प्रभ मेरे विघ्न कुरु मे देवी सर्व कार्य सु सर्वदा। मांगो पुत्र क्या वर मांगना चाहते हैं? हे देव, यदि आप मेरी तपस्या से वाकई प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं देव तनुज किन्नर और नाग सबको निर्भय होकर जीत सकूं। तथास्तु, ऐसे ही होगा पुत्र। ब्रह्मदेव मांगो पुत्र क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे कि मैं 6 माह सोता रहूं और 6 माह खाता। तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र विभीषण, प्रणाम ब्रह्मदेव। तथा अस्तु पुत्र, कहो पुत्र क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रभु, अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे विष्णु भगवान की भक्ति दीजिए। तथास्तु पुत्र, ऐसा ही होगा। नारायण। देव ऋषि प्रणाम। आयुष्मान भव। कहिए देव ऋषि, हाँ, लंका में कैसे आना हुआ? कहो लंकेश, अपने परिवार सहित कुशल से तो हो? बहुत दिन हो गए तुम्हारी कुशलता नहीं ली। आपको देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। नारायण नारायण। विश्राम, आपकी ही कृपा से मैंने ये राज्य प्राप्त किया है। हाँ, ब्रह्मा जी से ये वरदान पाया है कि मैं देव तनुज किन्नर और नाग सबको निर्भय होकर जीत सकूं। उनको मुझे आप किसी का भी भय नहीं। लंकेश, यदि ऐसा है तो
कोई चमत्कार करके दिखाओ और सिर्फ एक बार शंभू सहित कैलाश पर्वत को लंका में ले आओ, जिससे तुम्हारे शौर्य की प्रसिद्धि पूरे विश्व में हो जाएगी। नारायण नारायण। अवश्य अवश्य देवऋषि, सत्य कहा नारद ब्रह्म ज्ञानी, भोजपाल मारा सकल सब जानी, अभी जाओ कैलाश उठाओ, संभव सहित लंका ले आओ। देवऋषि मैं अभी जाता हूँ और महादेव समेत कैलाश पर्वत को उठाकर लंका में लेकर आता हूँ। अच्छा आग तो लगा दी, बस तमाशा देखना रह गया है। नारायण 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 नारायण। वरुण जल रूपी तरंग बनकर मेरे ही चरणों को धुलाता है। ये सूर्य सूर्य अपनी हजार आंखें लिए नित्य मेरे ही दर्शनों को आता है। कुबेर कुबेर मेरे ही अमर खजाने का चाबीदार है। ब्रह्मा की सारी शक्तियां मेरे द्वार पर खड़ी है। सुमेरु मेरी ठोकरों से ठर रहता है। मैं जो चाहू हाजिर हो जाए, जो मांगू सब हाजिर हो जाए, जिसको बुलाऊं सर आंखों पे लिए चला आए। जो मेरे हुक्म का बंदा नहीं वो जीने से बेजार है। देवताओं की पालना करने वाला मेरा ही अन्न भंडार है। मेरी शौर्य की शंका देखकर वैकुंठ भी सज जाता है। मेरे ऐश्वर्य के आगे विष्णु के मुंह में पानी आता है। अब क्या करूंगा, तमाम राजाओं से कर वसूल करूंगा। ध्वजा लहराएगी हम मेरी शिखर कैलाश के ऊपर, बनाएंगे कोट बैकुंठ उस आकाश के ऊपर। घाट गंगा का जल होगा और चरणों का मेरे कोने में गूंजेगा नाम मेरा दुनिया के कोने कोने में। तुमको बोलो लंकेश तेरा अब अंत आने वाला है। मेरे मारने को और विष्णु का अवतार जैसे हाथी और चींटी में युद्ध व्यवहार। विष्णु की शक्तियों को मैं देख लूंगा। अगर विष्णु ने मुझसे पैर बढ़ाया तो मैंने भी ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाया है। अब मालूम हुआ कि विष्णु मेरे बाहुबल पर प्रश्न करता है और साथ ही मुझसे दुश्मनी भरने का दम भरता है। आज से विष्णु का पक्ष लेने वालों को जान चुन कर मारूंगा। एक एक विष्णु को मैं सबका सर धड़ कर दूंगा। दिग्विजय के वास्ते नेत्र में संसार में गाड़ूंगा ध्वजा अपनी हर शिखर और कार में। दखल मेरा ही होगा। अब दुनिया के हर कारोबार में काट डालूंगा वो सर जो झुका मेरे दरबार में।
रोशनी फीकी होगी, रोशनी फीकी होगी। आप मेरे आप से कांप उठेगी ये धरती, आप मेरे आप से। आज विष्णु भगवान की रट लगाते लगाते वर्षों व्यतीत हो गए। ना जाने परमात्मा मेरे इस योग से क्यों विपरीत हो गए। बेशक मेरा जीवन क्यों ना तबाह हो जाए, परंतु इस जन्म ना सही, दूसरे जन्म ना सही, तीसरे जन्म ही सही। भगवान विष्णु के अलावा किसी को भी अपना पति नहीं मानूंगी। कभी ना कभी विष्णु भगवान मेरी ये फरियाद अवश्य सुनेंगे। मैं अपने पिता के आखिरी वचनों का अवश्य पालन करूंगी, या तो पाण ग्रहण होगा मेरा विष्णु भगवान से, या इसी धुन में जाऊंगी मैं अपनी जान से, या तो यौवन या तो जवानी बीत जाएगी बस इसी अनुराग में, या ये सुंदरी कौन है जो किस जंगल में इस वक्त अकेली विचरण कर रही है। हे देवे तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ होने का क्या कारण है। महाराज काम करो, मैं एक ऋषि कन्या हूँ और जगत की ठुकराई तथा किस्मत की मारी और तथा दिल में विष्णु भगवान को बसाना चाहती हूँ। सिमरन कर रही हूँ जीवन के आधार का, साधन बन रही हूँ मैं शुद्ध प्यार का। पल पल उन्हीं की याद मुझको है सताती, बस एक तार सी लगी है दिल की बेकरारी का। महाराज मेरे पिताजी ने आखिरी समय कहा था कि बेटी विष्णु भगवान तुझे एक ना एक दिन पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। बस उन्हीं को पाने के लिए मैंने जंगल का रास्ता चुना। पूजा वही, जप तप वही, आसरा है मेरा। अगर रोग है ये जीवन तो विष्णु दवा है मेरी। मैं उनके प्रेम की चौसर में सब कुछ हार बैठी हूँ, बस उन्हीं को हृदय से अपना पति मान बैठी हूँ। देवे तुम भूल कर रही हो और विष्णुहट फिजूल कर रही हो। केवल इस जगत में केवल मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। इस तरह की मूर्खता बेशुद्ध है तेरे लिए। मेरे यहाँ सब सुख संपत्ति मौजूद है तेरे लिए, तेरी सेवा के लिए सब दास और बंदियां हैं। तेरे लायक जो भी है चीज वो सब मेरे पास है। कहाँ चंदा कहाँ जौर, कहाँ हीरा कहाँ पत्थर, कहाँ भानु कहाँ दीपक, कहाँ मोती कहाँ कंकर। तेरे पास जो कुछ भी है सब उसी के यहाँ से आता है। तू फानी है वो लाफानी है, तू भिक्षुक तो वो अन्नदाता है। तुझे मेरे रुपए का ख्याल नहीं, क्या तुझे मेरे
ऐश्वर्य पर भी विचार नहीं। आज बलबीर में कोई मेरा सानी नहीं, कोई बादशाह कोई सुरदाता और कोई ज्ञानी नहीं। जो पापी नीच बुद्धि है तेरी, पापों की झलक दिखलाती है, क्या मतलब है बातें करने से, तुझको शर्म नहीं आती है? नहीं नहीं, ये प्रेम के मंदिर का रास्ता जिस ओर तेरी बुद्धि ये जाती है, हरि भजन के सिवा मुझको कोई और बात नहीं सुहाती है। सुंदरे डर की कोई बात नहीं, तो किस कारण घबराती है? तो मेरा मतलब नहीं समझी, बस यू ही बात बढ़ाती है। बता क्या तेरा नाम, क्यों ये अक्षर गवाती है? सुन सुन, कान लगाना होश गवा, ये भक्ति साधना काम मेरा, श्री विष्णु जी का जप करूं और वेदवती है नाम मेरा। दिल में बस यही इच्छा है, हो पति घनश्याम मेरे, रहती हूँ पर्वत चोटी में, इसी में है आराम मेरा। मैं रावण हो सुन वेदवती, तो किस और की मुझे सुनाती है? खंजर तलवार से न डरकर क्यों ज्यादा पते बढ़ाती है? यहाँ कब तक खाक उड़ाएगी? चल लंका की पटरानी बन, मैं लंका के राजमहल में मुख्याले आसयानी बन। विष्णु से तेरा मुकाबला ही क्या, जैसे सूर्य को दीपक दिखलाना, तू प्रेम क्या जाने, इतनी तेरी औकात कहाँ? सिवाय विष्णु के इस तन को देखने की ऐसी हिम्मत किसी में कहाँ? भोली भोली क्यों खाक उड़ाती है? चल लंका की पटरानी बन, मैं बार बार समझाता हूँ, यो नादान न बन सयानी बन। अबलाओं पर जो जुर्म करे वो वीर नहीं कहलाते हैं, पराई स्त्री पे जो स्पष्ट करे आखिर एक दिन पछताते हैं। छल कपट और बल से जो अपना काम चलाता है, कुछ दिन तो मौज फिर धोर नरक में जाता है। जहाँ प्रेम प्यार का नाता हो वह स्वर्ग नरक का ख्याल कहाँ? अब छोड़ हटी हूँ चित्र कर, ठीक से मेरा ख्याल कर। जा जा, मुझे अपना बना लेना, जब मेरा कुछ ना रहे। ओहो, इतना अहंकार, देख अब देख मैं तुझे बचवाने का मजा चखाता हूँ। है ऐसी कौन सी शक्ति जो मेरा नाश कर दे, मुझे अपनी बना लेना जब मेरी लाश हो जाए। हे आकाश में विचरने वाले सूर्य, हे चंद्र देवता, तुम साक्षी हो, हे जगत जननी धरती माँ, तुम मेरी गवाह हो कि मैंने विष्णु भगवान के अलावा किसी और का भी ध्यान किया हो तो भगवान मेरा फिर से जन्म हो और इस पापी का मैं नाश करूं। जा जा पापी, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा अंत मेरे ही द्वारा होगा। हे पापी नीच, तूने इस तन को छूकर अब चंदन की चिता बनूंगी, अपने प्रीतम विष्णु के वास्ते मैं जिंदा ही जल जाऊंगी, महाराज मिथिला के यहाँ जन्म दोबारा होगा, सीता होगा नाम मेरा, यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी।
मैं रावण हूँ रावण। अरे यार इस जन्म में न सही तो अगले जन्म में, अगले जन्म में न सही तो अगले जन्म में। किंतु एक बार तुझे लंका की पटरानी अवश्य बनाऊंगा। आज ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। हेलो, तो ये आपके सम्मुख ये सुंदर रावण वेदवती संवाद आपने देखा। उम्मीद करता हूँ